रात को बोला था आराम से बात करोगी, मसले का हल निकाल। ये मसला क्या भाड़ में, मेरा मियां मुझे वापस करो। अल्लाह जाने क्या फलसफा बघारने बैठ गई। आए भाई, मैं तो सीधी तरह से ये कह रही थी कि आप अपने घर को सुधारो। वो डॉक्टर सादी में जरूरत से ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। डॉक्टर सादी तो चले गए हैं, अब उनका क्या जिक्र? बहुत जिक्र है उनका। रुक जाओ, मैं रख रहा हूँ बंदूक। ये लो ये लो ये लो। अरे उस बुड्ढे को बुलाओ, ताकि से दो दिन बात करूँ मैं। गॉड, ओपन द डोर यार। यहाँ पे जुगनू के साइन लिए गए थे। साइन थोड़े आसान थे, इसलिए खोला के पेपर पे कॉपी कर लिए। क्या आप लोग सब मिलके मेरी और जुल्फी की शादी करवाते और मैं रुखसत होके इस घर में आती? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शक्ल देखी तुमने अपनी? कभी नहीं मानेगी वो। मानेगी, 24 घंटे के अंदर खुला के पेपर तुम्हारे सामने हो। एक तरफ सारी दौलत हो और दूसरी तरफ तुम्हारा महबूब, तो तुम क्या चूज करोगी? मेरा महबूब? हाँ, डॉक्टर सादी है ना। पर जब तुम इस रास्ते पे गौर करोगी तो ये मुमकिन नहीं होगा कि तुम इनकार करो। ये वो वाहिद रास्ता है जिसपे तुम भी राजी और हम भी। तुम क्यों अपनी जिंदगी तबाह करना चाह रही हो? हाँ, वो भी एक ऐसे आदमी के लिए जो ना तुम्हें डिफेंड कर सकता है ना तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता है। व्हाई? क्योंकि इस बार तो मैंने ठान लिया है, रिजाला और जुल्फी की शादी तो मैं करवा के रहूंगा। ये क्या है? ये वो खुला नामा है जिस पर तुम्हारे दस्तखत, तुम्हारा और जुल्फी का कोई ताल्लुक। बाजी, क्या ख्याल है, आप क्या खाती हैं आजकल? कल तक तो ठीक था, ये सुबह सुबह ओवरलोड वाला गया सी। अरे रुको रुको, क्या कहा ओवरलोड? जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, रखो ये पैसे, जा रही हूँ मैं, खुद ही चली जाऊंगी। ओवरलोड तो ऊपर से मिर्ची की तिरकी भी लगा दी। क्या 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 क्या, दे मेरे पैसे वापस मुझे। ओवरलोड सुनने के लिए दिए थे पैसे, गड़बड़ कर रहा है मेरे साथ। ओए नूरिया, ओए अपना मुंह बंद कर, कारोबार के लिए ठीक नहीं है, अपना सवार कहां से मिलेगा? बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। तुम सबने मुझे बिट्रे किया, मेरा अपना दोस्त, मेरी बीवी की बहन, और किसके लिए? दो टके की छोकरी के लिए? दो टके की छोकरी नहीं, एक मजलूम औरत। हाँ, वो मजलूम है और मैं उस पे जुल्म कर। मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो जुल्फी के साथ और जुल्फी उसके साथ खुश हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तुम ऐसी लड़की से शादी कर लोगे? अगर मुझे उससे मोहब्बत हो जाती तो जरूर कर लेता। भाई तुम कर लेते, मगर मैं अपने भाई को खुदकुशी नहीं करने दूंगा। तुमने अभी तक अच्छे शहरी होने के नाते जो भी गजाला से बातें की उसके लिए शुक्रिया, पर अब हमें तना छोड़ दो, प्लीज लीव अस अलोन। मैं पहले ही मंजर से हट गया था, अब तो मैं सिर्फ गजाला को हकीकत बताने आया था। गजाला पे ये मेहरबानी क्यों? ताकि वो ये जान सके कि जिस शख्स से उसकी शादी कराई जा रही है वो पहले से शादीशुदा है, और जिस तलाक का जिक्र हो रहा है वो भी एक फ्रॉड है। मैं एक बार फिर अपना सवाल कर रहा हूं, गजाला पे ये मेहरबानी क्यों? इसलिए कि because I love her. हाय किशो खाला, तुम्हारी जिद में आके शादी कर तो ली, लेकिन बहुत ही टेढ़ी खीर है भाई, पता नहीं क्या दरमियानी हाल होगा इनका।
कहीं सारे मुझे मुझे गोली से ही ना मरवा दे। रुक लू, एक ना एक दिन तो मौत का मजा चखना ही है। खूबसूरत जगह मरूंगी तो दुख नहीं होगा वैसे, लेकिन मैं तो मरू, ये साले मरे ना सारे मनहूस शक्लों वाले, पता नहीं कहां से मेरे मत्थे पड़ गए। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं, गजाला जुल्फी की मंगेतर है और हमारे खानदान में मंगनी शादी के बराबर होती है। कानून और शरा में मंगनी की कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारे लिए तो दोस्ती की भी कोई अहमियत नहीं है। तुम ये दूसरी बार मुझे दोस्ती का ताना दे रहे हो। तुम पे कौन सा असर हो रहा है? मुझसे चाहते क्या हो? तुम गजाला से दूर हो जाओ, ये अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हेलो, तुम जुल्फी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारे छोटे भाइयों की तरह, और कोई भी चीज इंसान के इख्तियार से बाहर नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर गजाला ने शादी से रजामंदी ना जाहिर की तो तुम बीच में से निकल जाओ ना। वैसे भी तो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मैं तो पहले भी निकल गया था, फिर निकल जाऊंगा, लेकिन तुम मेरा एक मशवरा याद रखना। कहो। दरिया को रोका नहीं करते, उसके सामने आओगे तो वो रुकेगा नहीं, तुम डूब जाओगे। अच्छा। हाँ, और मोहब्बत एक बिखरा हुआ दरिया होता है, उस पे बंद नहीं बांधे जाते, उसके रास्ते से हट जाओ बस। हाल एक बार फिर से मेरे कंट्रोल में है, इस दफा कुछ गलत नहीं होगा। आप डॉक्टर सादी से मिले थे क्या? हाँ, मैं बिलावजह उस पे शक नहीं कर रहा था। गजाला को भटकाने वाला वही है, जुगनू को भी वही शह दे रहा है, और उसका एक ही मकसद है, और वो खुल चुका है। वो गजाला से शादी करना चाहता है। ओहो। खैर, तुम जुल्फी की ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश करो और आंटी से भी बात कर लो। अब ये शादी हमें किसी ना किसी तरह करानी ही करानी है, क्योंकि अब ये मेरी अना का मसला, समझ रही हो ना? जी समझ गई। कोई भी अपनी शादी से खुश नहीं है, हम लोग ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? झूठे साले, इंतजार करवा करवा के मुझे सर्दी में मारेंगे। चुपनू के लोगों में फंस गए यार। अरे आप पहुंच गए, मुझे तो लगा भाग जाएंगे। ज्यादा बोलने वालों को कभी कभी अपने अल्फाज दबा कर रखने पड़ते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दरमियाने हल के लिए तैयार हो? हाँ हाँ रेडी, बताएं क्या करना है। पता है क्या जुगनू, मुझे तुमसे ज्यादा बोलने वाले लोगों पे तरस आता है, बिना सोचे समझे पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। अरे क्या डायलॉग्स बोले जा रही है, काम की बात करें, दरमियानी हल बताए। हाँ ठीक है। ये वो खुला नामा है जिस पर तुम्हारे दस्तखत, तुम्हारा और जुल्फी का कोई ताल्लुक। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? ये देखो, ये जुगनू तुम्हारे दस्तखत, अभी भी यकीन नहीं आ रहा? कोई बात, दीवार पे चिपका लेना, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। अरे ये तो सरासर झूठ है, मैंने तो इस तरह का कोई दस्तखत किया ही नहीं। दरमियानी हल कहाँ गया? अरे ये भला कौन सा दरमियानी हल हुआ? ये दस्तखत तुम्हारे और ये इसका सबूत है। अब अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मार तो खाओगी, साथ में जेल भी जाओगी। बारात लेकर आएंगे।
चिड़ियों कहाँ पैदा होते हैं? कहाँ? गोबर के ढेर में। नो। ज़ुल्फ़ी, देखो तो सही। हमारा घर उस पहाड़। अरे कौन बनाएगा तुम पे चढ़ के? तुम बनाओगे ना? नहीं ना। अरे क्यों? नहीं। अरे नहीं नहीं। कभी तो मान जाया करो। पहले ही मुझे उल्टी आ रही। ओप्पो। कसम से जुल्फी, तुम्हें देखकर तो मुझे वो पुरानी शायरी का कैद बुलबुल याद आता है। क्या है भाई, खुश रहा करो। बाबा साहब कब आएंगे? आज? अभी थोड़ी देर तक। तुम इनका इंतजार कर रहे हो? और अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो इसी तरह इंतजार करते रहोगे कि जुगनू आएगी और तुम्हें लेकर चली जाएगी? तो क्या करूं मैं? जुल्फी, तुम ऐसे क्यों हो? कैसा? मोम की नाक। जिसका दिल चाहता है, जिधर चाहता है, जब चाहता है मोड़ देते हैं, और तुम हो कि मुड़ जाते हो। क्या करूं मैं? तुम भाग जाओ। क्या? देखो जुल्फी, फजाला मेरी बहन है, तुम भी मेरे भाइयों की तरह हो, लेकिन जितनी मोहब्बत जुगनू तुमसे करती है कोई और नहीं कर सकता। ये आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। जुगनू भी तो इतना कुछ फेस कर रही है तुम्हारे लिए। देखो जुल्फी, तुम पछताओगे। गजाला तुम्हें पसंद नहीं करती है, वो डॉक्टर सादी से शादी करना चाह रही है। गजाला जुगनू की तरह स्टैंड नहीं ले सकती है, और तुम्हारी जो ये खामोशी और बुजदिली है ना, इससे चार लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्लीज जुल्फी। क्या करूं मैं? तुम जुगनू को लेकर भाग जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऐसी किसी जगह पे जहां तुम दोनों खुश रह सको। लेकिन कुछ नहीं। देखो जुल्फी, इससे पहले कि वो कोई अगला कदम उठाएं, तुम प्लीज जुगनू को लेकर निकल जाओ। जुल्फी, जिंदगी में मोहब्बत एक बार मिलती है, उसकी कदर करो। जाओ। थैंक यू भाभी। अस्सलामुअलैकुम जी। वो रूम नंबर 103 का चेक करना था। वो तो चेक आउट हो गया, आपकी बेगम तो चली गई है। चेक आउट? और उन्होंने फुल पेमेंट किया आपको? जी बिल्कुल, फुल पेमेंट करके गई है। अच्छा, कोई आइडिया कुछ बता के गई आपको कहाँ जा रही थी? नहीं, ये तो बता के नहीं गई, लेकिन 2 घंटे पहले ही निकल गई थी। वैसे कोई लड़ाई हुई है या कोई नाराजगी चल रही है?
नहीं जी, शुक्रिया। ओ बाजी, विश्वास ले लेना। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और ये मेरा खाना है, और जो कुछ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तुम्हें उसमें मेरा साथ देना होगा, समझी? मगर एक और आवाज आई तो लगा हुआ। तनवीर भाई, जुगनू इस वक्त खैरियत तो है ना? बताओ तो सही क्या हुआ? अच्छा चलो अंदर आओ। Well done, my boy. कमाल कर दिया तुमने। Good move. सादी का भी फोन आ गया था, खोलकर सामने आ गया। और वैसे भी असल बात तो ये है कि बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। एक बार दोनों की शादी हो जाए, जुल्फी खुद जुगनू को छोड़ देगा। हाँ ये तो है, लेकिन जुल्फी है कहाँ? अपने कमरे में बंद है। आपको तो पता है, बात मान लेता है पर एहतजाज करना भी जरूरी है बंद कमरे में। उसे बुलाओ। गेट हिम। जी बाबू साहब, एक और मसला, गजाला का। गजाला क्या मसला? सादी उसे बहुत कुछ बता चुका है। मुझे लगता है शायद वो अब इस शादी के लिए राजी नहीं होगी। इम्पॉसिबल। जिस खानदान से उसका ताल्लुक है वहां ऐसा करना नामुमकिन है, सो डोंट वरी। हाँ, जुगनू को तो मैं वैसे ही भगा चुका हूं, पर आंटी ये खुला तस्लीम नहीं करेंगे। हाँ ये तो है, लेकिन इसका भी हल है मेरे पास। वो क्या? जुल्फी को बुला लो। जुल्फिकार,
वो चला गया। कहाँ चला गया? मेरी जब आपसे दोपहर को फोन पे बात हुई थी उसके बाद मैं आई उसको देखने के लिए तो मुझे नहीं मिला। चौकीदार कह रहा है कि वो निकल गया। तुम मुझे ये अब बता रही हो क्या हो गया तुम्हें आयशा? मुझे एहसास हो गया। क्या? हाँ, मुझे एहसास हो गया कि मैं आप हम सब ये गलत कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आयशा? बिल्कुल ठीक है। क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम? तनवीर, तनवीर सुने तो, तनवीर, तनवीर मेरी बात सुने। तनवीर, अगर बाबा आपसे कहे कि आप मुझे छोड़ दे तो? तुम अपने आप को उस दो टकी की औरत से कंपेयर कर रही हो? तनवीर प्लीज, तनवीर जुल्फी की नजर से सोचिए ना। कोई जरूरत नहीं मुझे किसी की नजर से सोचने की। तनवीर, आप क्यों नहीं उन दोनों को खुश रहने देते? प्लीज। तुम्हें गजाला का ख्याल नहीं आ रहा? कैसी बहन हो तुम? गजाला से मुझे बहुत प्यार है। जो उसकी किस्मत में लिखा है उसको मिल जाएगा। और फिर डॉक्टर सादी। ओह, तो ये बात है, तुम सब लोग आपस में मिले हुए हो? तुम सब मिले हुए हो? नहीं नहीं, मेरी सिर्फ मामा से बात हुई थी। आयशा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पर ये मेरा खाना है और जो कुछ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तुम्हें उसमें मेरा साथ देना होगा, समझी? मगर एक और आवाज आई तो लगाऊंगा। तनवीर भाई, यही हूं मैं। भैया, मर तो वो है जो खुद चाहे जूतियों से बीवी को फर्श कर दे लेकिन और किसी को हाथ ना लगाने दे। है आग लगे ऐसे पैसे को जहाँ हर मर्द से धूल धप्पा हो। आई शुरफा में हमने ये अतवार नहीं देखे। शुरफा में ना आपा? किसकी बात हो रही है? अरे उसी नामुराद जुगनू का जो हमारे इज्जत का फरेरा बनाकर लहराती फिर रही है। हाँ भाई, ऐसी जो होती है ना उनके साथ ऐसा ही होता है। कसम है आपा जांगी, जो मेरे अलावा किसी ने कभी किशो को हाथ भी लगाया, जो किया मैंने किया। अरे भैया, इसीलिए तो रोते हैं कि जो मर्जी कहो हमें लेकिन हड्डी बोटी देख के शादी करनी चाहिए। न जाने कहां कहां से पैसा आ जाता है इन लोगों के पास। अच्छा भाई, अब रात हो रही है, तुम लोग तो अब रुखसत लो। जुगनू का रोना तो उम्र भर का रोना है, क्या करें, कितना रोए। चलो चार तो खा लो। चले फिर आपा, चलते हैं। जा रही हूँ फिर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए प्लीज। अजीब इत्तेफाक है वैसे सब कुछ, इसमें भी कोई खुदा की मसलहत होगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, बाज़ दफा बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता होगा, भुगत रहा हूं। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, नोटी, मैं तो बस आपको लेने आया था, आप घर चलिए प्लीज। दरअसल हम लोग तो कल वापस जा रहे हैं, तो एक दिन के लिए क्या जहमत करनी। हम भी कल वापस जा रहे हैं, बी नाइस के हम सब इकट्ठे वापस चले। मैं
जुल्फी की वजह से खजाला के सामने कमजोर हो गई थी। जुल्फी वापस आ गया। बताया था मुझे आयशा ने। उस लड़की का मामला भी खत्म हो गया। So done deal, खत्म। कैसे? To cut a long story short, जुल्फी और गजाला की शादी गांव जाकर की जाएगी। तलाक के बगैर? डिटेल्स आपको तो नहीं बता देगा सर। तो आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? ठीक, चलते हैं। डांडी, चले। तुम अभी तक जो समझ रहे थे वो सब गलत है। हकीकत ये है कि जुगनू एक लालची लड़की है। जुल्फी भाई, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैंने तुमसे कहा था ना, उसकी लालच का सबूत दूंगा। ये लो, अपनी आंखों से खुद देख लो। ये क्या है? उसने मुझे एक डील ऑफर की, मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद वो तुम्हें यहां से लेके गए, फिर दोबारा एक और डील ऑफर की, मैंने मान ली। खुशी खुशी उसने ये खुला के पेपर साइन किया। जुगनू खुला नहीं ले सकती। आई डोंट बिलीव दिस। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड जुल्फी? तुम उसे तलाक जो नहीं दे रहे थे, उसने तो ये खुला इसलिए मान ली क्योंकि मैंने उसे उतने पैसे दिए जितने वो चाहती थी। झूठ है ये। I don't believe this, Tanvi. ये पढ़ लो, अभी के नहीं काफी पहले के। तुम्हें तो वो यहां से इसलिए लेके गई थी ताकि मुझ पर प्रेशर बढ़े। अब वो तुम्हारी बीवी नहीं। डॉक्टर सादी एक झूठा इंसान है। वो गजाला से शादी करना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। मोहब्बत, मेरी सच्चाई, मेरा जुनून, सब खत्म हो गया। मैंने सोचा था कि मैं जुल्फी को वापस ले आऊंगी, वापस आपके पांव पड़ लूंगी, कुछ कर लूंगी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? जालसाजी की उन लोगों ने, पता नहीं कैसे नकली दस्तखत करा लिए खुला के कागजात पे। तुम्हारे पास वो कागज है? हाँ है, कॉपी है, लेकिन क्या फायदा? तुम वो कॉपी मुझे दो। आप क्या करेंगी? मेरे दस्तखत मौजूद है, मेरा बयान मौजूद है, मैं किस किस को झूठा कहूंगी? मैं हार गई हूँ, मैं थक गई हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो रही हो। मोहब्बत? शोहर है वो मेरा। मेरी अम्मा को पता चलेगा ना तो मर जाएंगी वो, और खाला जहांगी वो तो लुड्डी ही डालेंगी। और तुम उन्हें ये मौका दे रही हो, है ना? मैं क्या करूं? अच्छा है ना, लुड्डी ही डालें, टांगे टूटेंगी उनकी। सुबह और अपनी माँ के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छा बस हौसला करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आओ, आओ। आओ।
फसल बेटा, मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। How is this possible? I mean, mama, बहुत बुरा लगेगा। हमारा यहाँ रहना ज्यादा बुरा लग रहा है। ये तो उन लोगों की बड़ाई है कि उन्होंने इस बात का इशू नहीं बनाया। क्यों इशू क्यों बनाते? तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी शादी उसी घर में होनी है। वो लोग इज्जत से बात कर रहे हैं तो हमें भी समझना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मामा? प्लीज, हम जब से यहाँ आए आप बहुत ऑकवर्डली बिहेव कर रही है। हमारा यहाँ आना ज्यादा ऑकवर्ड है, हमें अब जाना चाहिए। मामा, मैं जुल्फी से शादी नहीं करूँगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। और मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ, तुम बच्ची हो। अम्मी, बातें तो तुम बच्चों जैसी कर रही हो। अम्मी, बच्ची नहीं हूँ। तुम मेरे साथ चलो तो सही, फिर देख लेते हैं। मेरे दिमाग में प्लान है। क्या? वहीं जाके बताऊंगी। शर्म तो नहीं आती उस बेचारी गरीब लड़की को धोखा देते हुए? अब आपका जो भी प्लान है अब नहीं चलेगा। सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, ठीक है। लगता है हमारी वजह से देर हो गई। नहीं नहीं, ये तो सामान वाली गाड़ी है, हम तो। शर्म तो नहीं आती उस बेचारी गरीब लड़की को धोखा देते हुए? अब आपका जो भी प्लान है अब नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर सादी सब बता चुके हैं। कैसे हो जुल्फी बेटा? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं ठीक। पापा, मैं कंस्पिरेसीज का हिस्सा नहीं बन सकती, मैं जुल्फी से शादी नहीं करूंगी। तो मत करो। जुगनू आई थी यहाँ? हाँ, वो मेरे पास भी आई थी। अजाला कहती तो वो सच है, हमें कुछ करना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए? जुल्फी को कुछ करना चाहिए। After all, he is reward of all these problems. अगर वो हिम्मत करके अब्बा के सामने आ जाए ना, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। वो तो है ही मोम की नाक। और ऊपर से आपने मामा की टोन सुनी है। अजाला, वो भी अपनी जगह सही है। मैं भी जुगनू को बहुत बुरा समझती थी, बट द ट्रूथ इज कि उसकी बातों में सच्चाई है। क्या तुम मुझे भी आया था कि अब उसका नहीं मैं समवन हूँ, आई डोंट इवन लाइक? ये ख्याल तो आपको बहुत पहले आ गया था। मैं भी अब समझ गई हूँ उससे मिलने के बाद। डॉक्टर सादी, सही कह रही हूँ ना? हाँ ठीक है, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मामा अचानक यहाँ क्यों आ गई है? मामा अचानक नहीं आई है, बाबा साहब मामा और तनवीर मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं। क्या? मेरा ख्याल है तनवीर, तुम मेरी सिचुएशन को समझ रहे हो। जी जी आंटी, बिल्कुल समझ रहा हूँ, पर ये कोई ऐसी बात नहीं है। जाहिर है जो कुछ यहाँ पर हुआ हम समझ सकते हैं, आप गजाला को फोर्स तो नहीं कर सकती थी। Come to the point, my boy, अब की बात बताओ, अब की। जी बाबू साहब, बताता हूँ। आप तो जानी गई हैं कि खुला का मामला सारा एक ड्रामा है। हाँ। लेकिन अभी तक इसी ड्रामे ने सब कुछ संभाला हुआ। जुगनू समझ रही है कि वो इन कागजात को चैलेंज नहीं कर सकती, जो कि एक हकीकत है। और जुल्फी को लग रहा है कि जुगनू ने ये काम पैसों के लिए किया। तो लड़की तो मंजर से हट चुकी है, कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो चुका है। हाँ, सिर्फ एक डॉक्टर सादी है जिसको इसके बारे में पता। कल हम सब लोग गाँव चले जाएंगे और वहां आप दोनों की शादी कर दी जाएगी। No way, ये कभी नहीं हो सकता। अरे और हम कर भी क्या सकते हैं? क्या मतलब हम क्या नहीं कर सकते? जब वो इतना कुछ कर सकते तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? अच्छा अच्छा, इट्स ओके, काम डाउन। पहले उन बिग थ्री की मीटिंग हो जाने दो, उसके बाद कुछ सोचते हैं। क्या आप इनमें शामिल? बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ, ना ही वो। सच्ची बात बताऊँ गजाला, तनवीर डज नॉट इवन ट्रस्ट मी एनी मोर ऑन दिस मैटर। और ट्रस्ट ना करने की वजह हमारा यह रहना और डॉक्टर सादी साहब है ना? No, उससे किसी को इशू नहीं है। अच्छा लिसन, छोड़ो इन बातों को, तुम जाके अपनी पैकिंग करो, मेरे दिमाग में प्लान है। क्या? वहीं जाके बताऊंगी।
तो इसका मतलब है कि ये रिश्ता ऑफिशियली खत्म? जी बिल्कुल, कम्प्लीटली। अगर फ्यूचर में कभी कोशिश करेगी प्रूव करने की तो क्या, ज्यादा से ज्यादा दावा करेगी खुला का। एक औरत अपने शौहर से नाराज होकर और कर भी कह सकती है, या तो तलाक मांग सकती है या खुला का दावा। इसलिए आपका अंदेशा यहाँ पर खत्म हो जाता। That's my boy, Tony. I mean, Tanveer. ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। हाँ, ये बात भी ठीक है। ठीक नहीं है, 100% ठीक है, 100%। आप आंखें बंद करके हमारे साथ चले, trust me. सवाब था ये जुगनू आए। मार दे मार दे मार दे मार दे मार दे आपने बुलाया मुझे? हाँ, आपने मुझसे कहा था ना कि मैंने उस लड़की के साथ बहुत ज्यादती की है। हाँ, आप जानती हैं उसने क्या किया? क्या किया उसने? उसने चंद पैसों के लिए खुला ले लिया। तनवीर भाई ने उसे मेहर से बड़ी रकम ऑफर की। गजाला, तुम अब तक जाग रही हो? नहीं नहीं, वो जुल्फी ने मैसेज किया था, मैं जा रही हूँ। मैं बस सुबह बात कर लेना, बहुत रात हो गई है। चलो सोने चलो। अच्छा